हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पटेल डिजिटल ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हर कोई अपने मोबाइल के कैमरे से फ़ोटो खींचना पसंद करता है, कोई सेल्फी लेना पसंद करता है, तो कोई यानी बैक कैमरे से फ़ोटो खींचना पसंद करता है। लेकिन अगर आपको अपने मोबाइल के कैमरे से अच्छी फ़ोटो ना मिले तो आपको निराशा होती है। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसी कमाल का इंटरेस्टिंग खूफी एप्लीकेशन बताऊँगा ना, जिसके मदद से आपके मोबाइल की खींची हुई कैमरे से फ़ोटो को इतना ज़बरदस्त लुक देगा ना कि हर कोई एक बार देख को दीवान हो जाए। अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में कहीं भी शेयर कर दोगे तो आपका दोस्त एक बार को जल उठेगा देख के कि भैया आपके पास डीएसएलआर कैमरा होगा तभी आपकी इतनी खूबसूरत इतनी अच्छी फोटो है, या आपके पास कोई महंगा कैमरा होगा तभी आप, या आपके पास कोई महंगा मोबाइल होगा तभी इतनी अच्छी फोटो आपने खींची है। तो अगर आप उस खूफी एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हो ना, तो मेरे साथ इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहो। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो कर लेता हूँ स्टार्ट। मेरा नाम है सुनील पटेल और आप देख रहे हो अपने यूट्यूब चैनल पटेल डिजिटल ट्रिक्स। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे चैनल में आप नए आए हैं तो ये लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो ये घंटा है तो इसको दबा लें। घंटा दबाने का मतलब क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंपली तो आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इस एप्लीकेशन के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां जाकर सिंपली डाउनलोड कर लेना। जैसे डाउनलोड करेंगे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सिंपली आपको सबसे इंटरफेस पहले ये हुआ है पोर्ट्रेट यहाँ पे दे रखा, तो सिंपली आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट में क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों मैंने पोर्ट्रेट में क्लिक कर दी, कुछ हेड देखने को मिला और आपको यहाँ पे कट कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कोई अपनी एक फोटो सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आप अपनी गैलरी पे जाके कोई भी अपनी मनपसंद की फोटो सेलेक्ट कर लीजिए। जो आप अपने मोबाइल से फोटो खींचो आप उस फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने इस फोटो को यहाँ पर अपने मोबाइल के कैमरे से खींची है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे मैं इस फोटो को यहाँ पर ले आया, तो यहाँ फोटो आने के बाद तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा फोटो का एडजस्टमेंट हो रहा, तो यहाँ पर बीच में फोटो देखिए तो आपको यहाँ फोटो एनालिसिस कंप्लीट, तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे दोस्तों आप ओके करोगे तो आपके फोटो को एकदम यानी पीछे से डीएसएलआर जैसे एकदम ब्लर कर देगा, जैसे ऐसा लग रहा है कि डीएसएलआर से आपकी फोटो खींची हुई। देखो दोस्तों मेरी फोटो कितनी मस्त लग रही है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर जैसे मैं कम किया तो दोस्तों अभी नॉर्मल फोटो ये है, नॉर्मल फोटो मेरी ये है। जैसे यहाँ पर दोस्तों मैं इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ तो मेरे डीएसएलआर जैसे लुक हो जाता है मेरे कैमरे का। दोस्तों मेरे फोटो का एकदम डीएसएलआर लुक हो गया, ऐसा लग रहा है कि मेरी फोटो डीएसएलआर से खींची हुई लग रही है। जैसे आप अपनी फोटो के डीएसएलआर से बना के इस एप्लीकेशन से बना के फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम में कहीं भी शेयर करोगे तो पक्का 100% कहता हूँ आपका दोस्त आपसे ज़रूर पूछेगा कि भैया आपने कोई डीएसएलआर महंगा कैमरा खरीदा है क्या, या आपने कोई महंगा मोबाइल खरीदा तभी आपकी इतनी खूबसूरत फोटो लग रही है। तो आप यहाँ से अपने यानी ब्लर बढ़ा भी सकते, देखो तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसा लग रहा है कि सच में मैंने डीएसएलआर के कैमरे से फोटो खींचो। आप यहाँ से ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो तो आपकी फोटो एकदम डीएसएलआर कर देगा, एकदम फोटो के बैकग्राउंड से ब्लर कर देगा, धुंधला कर देगा, जैसा आप डीएसएलआर कैमरे में करते हो। तो और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे, फिल्टर का ऑप्शन दे रखा है। जैसे फिल्टर पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पे क्लासिक स्टाइल के फिल्टर देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे बॉक्स स्टाइल के फिल्टर देखने को मिलता है, तो आपको बॉक्स स्टाइल में इस तरह के फिल्टर देखने को मिले। जैसे आप यहाँ पे कुछ और फिल्टर देखने को मिलता है, जैसे पेंटिंग में देखने को मिलता है, पेंटिंग में देखो कितना कमाल के यानी फिल्टर लग रहा है, फिल्टर भी कमाल का जादू लग रहा है। बैकग्राउंड को एकदम यानी ऐसा लग रहा है कि पेंटिंग यानी पेंटिंग कर दिया, आप पेंटिंग में खड़े हुए हो। तो आपको यहाँ पे कार्टून फोटो यानी कार्टून जैसे बना देगा आपकी यानी बैकग्राउंड को, पिक्सल जैसे कर दे, जैसे आप पिक्सल कम है तो उसके वैसे बैकग्राउंड, लेकिन आपके बैकग्राउंड को ही यानी कमाल का लुक देगा। आप जैसे यहाँ पे आओगे तो और बहुत सारे लुक देखने को मिलते हैं, ग्लिचेस वाले यानी लुक देखने को मिलेंगे, बहुत ही कमाल के लुक देखने को मिले। जैसे ग्लिच वाला बहुत ही धांसू लग रहा है, ब्लाइंड लाइट यानी जो ब्लाइंड लाइट यानी है बहुत सारे यानी आपको फिल्टर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपकी फोटो को एकदम डीएसएलआर लुक दे देगा। अब फेसबुक में शेयर करोगे या इंस्टाग्राम में शेयर करो, कहीं भी शेयर करो, हर कोई आपसे पूछे कि भैया आप महंगे कैमरे से फोटो खींचो क्या। तो दोस्तों अगर आपको ये एप्लीकेशन और ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो कमेंट में नाइस ऐप जरूर लिखना प्लीज़ दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताओ ताकि मेरे को पता चले ये एप्लीकेशन आपको पसंद आया है, तो अगली बार ताकि और भी अच्छा एप्लीकेशन लाऊँ। तो धन्यवाद आपको दोस्तों, बहुत बहुत।